Hello everyone, welcome back to Three Beings. How are you guys doing? चिल्ड्रन रूम दिखा रहे हैं कि पूरी साफ सफाई हो रही है। ये देखो ये दीवार कितने अच्छे से ट्विंकल ने साफ किया है। ये रही ट्विंकल। आज संडे है तो उसकी छुट्टी है, तो उसने जिम्मेदारी ली थी कि चिल्ड्रन रूम वो साफ करेगी, क्योंकि मैंने, हनी ने और राज ने बाकी का सब साफ किया है। पूरा चमका दिया उसने, ये वॉल बहुत अच्छे से साफ किया। वाह वाह वाह, थक गई मैं, इतने से मैं थक गई। देखा, और हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं वो, अभी किचन बाकी है बेटा, वो भी करना है, उसमें भी हेल्प करना है, क्योंकि उसमें मैं अकेली तो नहीं कर पाऊंगी। कर दूंगी हाँ। तभी ये पर्पल दीवार बाकी है, वॉल बाकी है करना। ऊपर का सीलिंग तो सब साफ़ हो गया है, और ये भी लगभग क्लीन ही है। हम लोग ने थोड़े दिन पहले ही सब रूम साफ़ किया था, तो इतना गंदा नहीं है। बस इससे सब साफ़ करना है। और ये मासूम बन के यहाँ पे बैठा है, जैसा कि इसका कुछ लेना देना नहीं है, बेचारा गरीब। ये हनी का टेडी बियर, इसके डैडी ने इसको गिफ्ट दिए थे। और जो रेड वाला है वो ट्विंकल का है, जो उसके फ्रेंड्स लोग ने उसको गिफ्ट दिया था। और बिटिया रानी, क्या हालचाल है बेटा? थक गई। इतने में थकने का नहीं बेटा, और बाकी है दिवाली का काम। दो साल से साफ सफाई नहीं हुई थी कोविड की वजह से, आज हो रही है तो दो साल से हुई है। मतलब ऐसा वॉल नहीं क्लीन किया था, तो थोड़ा सा क्लीन किया था, बट पट्टी बहुत आती। हाँ, मतलब साफ सफाई हो जाती थी, ऐसा घस घस के नहीं हुई थी, इतनी अच्छे से नहीं हुई थी, क्योंकि सबका आना जाना ही बंद था, तो सब यही सोचते ना, अरे कौन आता है, रहने दो, ऊपर ऊपर साफ सफाई कर लो बस है। मेरी हालत, लेकिन नौकरानी जैसी थी। बिटिया रानी आज नौकरानी हो गई है। चलो, देखा मम्मी कितना काम कराते हैं। हाँ, मैं तो हूँ ही ऐसी, बाबा मैं किसके पर दया नहीं खाती हूँ, काम करना ही है। ऐसे बहुत बर्तन तो हो गया है पूरा फसा रहा, ये बहुत क्लीन करना है, बहुत सब कुछ क्लीन करना है। ये देखिए अंडा कड़ी बनाया है। तो थोड़ी सी सफाई हो जाने के बाद शाम को हम लोग निकल गए मार्केट के लिए, कि जो भी कुछ बचा है चलो देखते हैं मिलता है कि नहीं। लेकिन कुछ नहीं मिला, क्योंकि इतनी भीड़ थी। बाप रे, संडे भी था आज, तो हम लोग ने एक दो भाजी लिया, सिर्फ टमाटो लिया है, जो यहाँ पे बहुत महंगा है, तो वहाँ पे तो सस्ते में मिल रहा था, तो वहाँ से वो ले लिया है। कैंडल्स लिया है, और थोड़े रंगोली लिए, कलर्स लिए, बस और कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि बहुत ही भीड़ थी। और कल जितना आइटम सब बाहर दिख रहे थे, आज उतना दिख ही नहीं रहे थे, तो जितना मिला हम लोग उतना लेकर घर पर आ गए। और कमेंट में बताइए कि आप लोगों की दिवाली की खरीदी कैसी चल रही है। ओके, गुड नाइट, बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज 1 नवंबर है, और द टाइम इज 7:30 इन द मॉर्निंग। ट्विंकल दीदी, मम्मी और मैं उठ चुके हैं 7 o'clock को ही। मम्मी इज बिजी विथ टिफिन बनाने में ट्विंकल दीदी का। हाय मम्मी, गुड मॉर्निंग। क्या बना रहे हो आप? सब्जी रोटी। सब्जी और रोटी दीदी को लेके चलो। ओके, और ट्विंकल दीदी रेडी हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए। जब वो ऑफिस चली जाएगी तो हम पूरा ये किचन साफ करने वाले हैं आज, इसलिए वी हैव डिसाइडेड कि हम जल्दी उठेंगे और घर के जो भी पेंडिंग वर्क है वो पहले कंप्लीट कर लेंगे। थोड़े बहुत प्लानिंग्स है आज के लिए कि क्या क्या करना है, व्हाट ऑल थिंग्स आर रिमेनिंग, और वो सारी चीज़ें आज कंप्लीट करनी है, बिकॉज कल से द होल दिवाली थिंग्स गोना स्टार्ट। आज अभी फिलहाल करेंगे हम किचन क्लीनिंग, सो लेट्स गो। स्नीक पिक ऑफ व्हाट ट्विंकल इज गोना हैव टुडे, एन अमेजिंग भिंडी यार, अब भी खाने का मन कर रहा है मेरा।
तुमको भी मिलेगा काम करने के बाद। कितनी भुक्कड़ है ये, तीन तीन टिफिन लेके जाती। कैन यू गाइस इमेजिन फ्रूट ये, ओह माय गॉड। इसकी बॉटल कहाँ है? ट्विंकल दीदी किधर है? शी इज गेटिंग रेडी। हाय हाय, गुड मॉर्निंग। गेट लॉस्ट। यहाँ बन रही है मम्मी की चाय। एज यूजुअल सबसे पहले मम्मी को चाहिए होती है चाय। चाय और आज मैं बनाऊंगी अदरक वाली चाय। वाओ दैट्स स्पेशल, क्योंकि हनी भी है साथ में पीने के लिए। मुझे ज़्यादातर इलायची की चाय पसंद है। मुझे दोनों, तो मैं दोनों नहीं बनाने वाली, मैं एक ही बनाऊंगी। ओके चीयर्स मम्मी। चीयर्स। सो आज क्या प्लान है? अभी मॉर्निंग की सबसे पहली चाय है जो अभी मैं पी रही हूँ। फाइनली काम चालू होएगा फटाफट फटाफट, पूरा किचन क्लीन और फिर किचन क्लीन। बाकी सब काम तो ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है। ओके बस, तो चाय पीने के बाद मिलते हैं किचन में। तो चाय पीने के बाद मैंने एक एक करके ट्रॉली के सब सामान निकाल कर प्लेटफॉर्म पे रख दिए, किचन के प्लेटफॉर्म पे, और एक एक करके मैं ट्रॉली लेकर बाथरूम के बाहर रख रही हूँ, ताकि बाथरूम के अंदर से अच्छे से इसे मैं धोकर निकाल सकूँ। पूरे निकाल धो लिए मैंने ट्रॉली और विंडो में रख दिए हैं। देखिए ये मैंने सेकेंड विंडो पर रखा है, बच्चे लोग का जहाँ चिल्ड्रन रूम है वहाँ का विंडो में आधा रखा है, आधा हॉल के विंडो में रखा है। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल की सफाई हो रही है, यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धो धो के रख दिए हैं। मेरा भाई आया था मॉर्निंग में, उसने ग्रिल का थोड़ा साफ सफाई करके निकाल दिया था कचरे जो थे, अब वो ग्रिल में पेंट कर रहा है यहाँ पे एक साइड में बैठकर। जहाँ मैं बर्तन साफ़ कर रही थी वहाँ पे एक साइड में मैंने दाल भी चढ़ा दिया था, भिंडी की भाजी चढ़ा दी थी, तो वो भी हो गया, लंच भी हो गया बनकर रेडी। अब इसे हम खाएंगे बैठकर लंच टाइम पे। ये देखिए सब सामान निकाल कर यहीं रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने जो ये वॉश किया था ये सब सूख गया है, ताकि अभी मैं ये सूखने के बाद सब ग्रिल ला के यहाँ पे मैं फिट कर दूँगी, ट्रॉली ला कर फिट कर दूँगी। ये सब बर्तन धोकर हो गए, सब क्लीन हो गए, जितने भी ट्रॉली के बर्तन थे सब मैंने क्लीन कर कर रख दिए, अभी कुछ बचा नहीं है क्लीन करने के लिए। ये देखिए एक एक बर्तन निकाल के धोना पड़ा है, धुले हुए थे फिर भी मैंने वापस आधे जो भी बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए वापस से। अब चाय पीने का दिल हुआ तो मैंने चाय बना लिया, मेरे भाई को भी चाय दे दिया है। 2 घंटे हो गए लेकिन उसका इतना टाइम लग रहा है ये ग्रिल में पेंट करने के लिए, क्योंकि सामने से भी और पीछे से भी करना पड़ रहा है। उसने चाय पीकर रख दी है और अपना काम चालू कर दिया है। ये देखिए फुल वाइट, बहुत ही चमक रहा है, अच्छा लग रहा है। लगता है कि जब ये वाइट ग्रिल में हम जब लाइट लगाएंगे तो बहुत ही शानदार दिखेगा। यहाँ पर युवराज भी अपना काम कर रहा है ग्रिल में पेंट करने का, एक साइड में मामा कर रहा है एक साइड में भांजा कर रहा है दोनों मिलके ये ग्रिल का काम ख़त्म करेंगे। ग्रिल में बहुत टाइम लग रहा है करने के लिए। एक्चुअली देखिए ये दोपहर हो गई है, पूरा ग्रिल सूख भी, ये ट्रॉली सूख गई है, मैं यहाँ पे ला के एक एक करके फिट कर रही हूँ। ये देखिए पूरा मैंने फिट कर दिया। ट्रॉली फिट हो गई है, देखिए बहुत अच्छे से साफ मैंने धो दिया था इसे, कैसा चमक रही है। यहाँ पे ऊपर का ग्रिल हो गया पेंट, एकदम वाइटम वाइट हो गया है। वाओ मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसके बाद मेरा भाई ने नीचे का जो रॉड है वो सब, नीचे की जाली
में पेंट करना चालू कर दिया है। युवराज भी यहाँ पे लगा हुआ है साथ में। शिवानी आराम करने के लिए चली गई, लगभग सब काम हो चुका था तो आराम करने के लिए अपने बेडरूम में चली गई है, सो रही है अभी यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो जब तक एक एक करके सब डब्बे खाली करूँ दाल के जो किचन के हैं वो भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, धो के सुखा दूँगी, बाद में वापस उसमें दाल भर दूँगी। यहाँ पे आधे मैंने डब्बे खाली कर दिए, आधे भरे हुए, एक 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 करके सब क्लीन कर दूँगी। एक एक जैसे सब डब्बे हैं, अच्छे लग रहे हैं राउंड शेप में। यहाँ पे मेरा भाई ने ग्रिल में पेंट किया है या खुद को पेंट किया है। यहाँ पे शाम होने आ गई है, देखिए पूरा काम कंप्लीट हो रहा है। यहाँ का ग्रिल हो गया है लगभग पूरा क्लीन और वाइट वाइट हो गया है पूरा अच्छे से, इसमें लाइटिंग और भी चमकेगी। तो थोड़ा सी काम बचा है वहाँ पे कोने में, वो युवराज कंप्लीट कर रहा है। अभी रात होने को आ गई है, इन लोग ने दूसरा विंडो ले लिया है और जो भी आधा बाकी है वो हम कल करेंगे।